केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद जफर इस्लाम शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार में टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसमें मोदी सरकार की कोशिशें कामयाब भी रहीं, जिसकी वजह से आज दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में होता है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए ईडी पर सवाल उठाना ठीक नहीं, अपराध करने वाला इतनी बारात लेकर जाता हो ऐसा कभी नहीं देखा, राहुल गांधी नाटक कर लोगों के मन को भटकाने का काम ना करें। राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का फायदा लिया है तो उन्हें ईडी को जवाब देना ही होगा। वहीं राज्यसभा सांसद ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के जुमे को किए गए बंद के आह्वान पर कहा कि तौकीर रजा हो या फिर कोई और, इन्हीं हरकतों से समाज में सिर्फ टकराव होता है, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कानपुर हिंसा पर कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के बीजेपी कांग्रेस के पीछे पड़ी है के बयान पर सवाल पूछने पर डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के पीछे नहीं पड़ी बल्कि राहुल गांधी के पीछे, तो G23, C23 और S23 जैसे ग्रुप वाले लोग पड़े हैं। उनकी बहन नहीं चाहती है कि भाई आगे बढ़े, भाई नहीं चाहता बहन आगे बढ़े, माँ नहीं चाहती बेटी आगे बढ़े और वह चाहती है सिर्फ राहुल गांधी आगे बढ़े। क्राइम करने वाला इतनी बारात लेके जाता है ये तो मैंने पहले देखा नहीं था, और हमने पहले सोचा शायद शादी का बारात हो, अभी वो इस लायक है कि शादी कर सकते हैं, तो वो बात भी नहीं थी। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं नाटक है, और समझता है लोग समझते हैं कि कितने भी कोशिश कर लीजिए आप क्राइम करके लोगों को मन भटकाने का, सरकार अपना बिना भेदभाव के काम करे, एजेंसी अपने इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम करे, उनके पास दस्तावेज हैं, एविडेंस हैं, पूछताछ से और एविडेंस मिलेंगे। जो अगर आपने महज 50 लाख में 90 करोड़ का लोन आपने कन्वर्ट कर लिया है तो वो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही होगी, और उसके शेयर होल्डर अगर आप बने हैं तो उसको बताना पड़ेगा कि इसके शेयर होल्डर आप क्यों बने हैं, बेनिफिशियरीज में आपका नाम क्यों है, जबकि ये आपका नाम नहीं होना चाहिए। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है आपने महज 50 लाख में ले ली, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि तौकीर रजा साहब हों चाहे कोई भी हो, कोई भी लीडर हो, सबको मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं उनसे अपील यही करूँगा कि इस तरह की चीज़ें करने से सिर्फ समाज में कहीं ना कहीं टकराव पैदा होता है। समाज तो आपके लिए है, सरकार आपके लिए है, आपको कोई बात करनी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, आप जिससे बात करना चाहिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन इस तरह का जो आह्वान देना के और लोगों को इकट्ठा करके और उसको कहीं ना कहीं उत्तेजित करना, मुझे नहीं लगता ये इसकी ज़रूरत है और ये करना चाहिए। जो भी अगर रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के प्रति जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, चाहे किसी समुदाय से हो, किसी धर्म में उसकी आस्था हो, अगर उसने क्राइम किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत साफ स्टेटमेंट है कि कोई भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, वो कह रहे भाजपा कहाँ पड़ी है, भाजपा के लिए तो मतलब भाजपा तो जीत रही, भाजपा क्या लेना देना राहुल गांधी से, राहुल गांधी के पीछे तो उनके ही G23 तो C23 तो S23 ऐसे लोग पड़े हुए हैं, उनको अपनी चिंता अपने ही परिवार के अंदर करनी चाहिए। पहले तो बहन नहीं चाहती आगे बढ़े, भाई नहीं चाहता बहन बढ़े आगे।